और हमारे मुसलमान भाई इनका भी वेलकम कर रहे हैं। कोमल सिंह जी एक हिंदू और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलियों में से महलों में से हमारे भाइयों का नाम पूछ के भगा दिया करते हैं। अभी आप कितनी देर में हटा रहे हो दुकान? अभी बच्चे हैं तो नहीं, आप हटाना हटाना स्टार्ट कीजिए। आप सच के साथ बेबाक अंदाज। आदाब दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आप लोगों को मैं वीडियो देखने से पहले गुजारिश करूँगा कि वीडियो देखने से पहले आप एक बार शेयर बटन पे है उसको दबा के शेयर जरूर कीजिए, वरना अपने आप को मुसलमान कहना ही छोड़ दीजिए। देश में इतनी नफरतें फैल चुकी है कि आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते। अगर हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर अगर आवाज़ उठाएंगे तो आप लोग हमारे सपोर्ट भी नहीं करेंगे। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो अधिक से अधिक वायरल कराइए, उन अंध भक्तों तक जरूर पहुँचाइए जो देश में नफरतें बांट। सबसे पहले मैं बात करूँगा नफरती वीडियो का कि मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आई है, जहाँ पर मस्जिद के सामने एक मुसलमान दाढ़ी वाले भाई अपना सामान बेच करके अपना रोजी रोटी कमाता है। तो उसको हिंदू जागरण मंच के लोगों ने उसका आईडी देखकर मुसलमान होने के कारण उसको वहां से भगा दिया। तो देश में इतनी नफरतें फैल चुकी है, ये भगवाधारी सिर्फ नफरत जानते हैं, इनको मोहब्बत से कोई मतलब नहीं है। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि सरकार इनको खुली छूट दे रखा है, क्योंकि कानून में ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं कि कोई भी पब्लिक अपने हाथ को कानून में ले सकता है, पर यह भगवाधारी कानून को अपने हाथ में लेकर के मुसलमानों के साथ इस तरह से आए दिन इस तरह की हरकत करते रहते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि आरएसएस का तालीम क्या है? मुसलमानों से नफरत करना। वहीं पर मदरसा, जहां पे ये भगवाधारी जिसको आतंकवादी का अड्डा बता रहे हैं, जहां पे बम बनाया जाता है ऐसा कहकर के इल्जाम लगाते हैं, वहां का जो मदरसा का जो प्रोडक्ट है, क्योंकि इमाम मोजन बनने के लिए मदरसा से ही तालीम, मदरसा से ही शिक्षा हासिल करना पड़ेगा। तो देखिए, एक मदरसा से तालीम हासिल करने के बाद एक इमाम और मोजन एक हिंदू भाई हिंदू चाचा जिसका नाम कोमल सिंह है उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, उसके साथ कैसा हुस्न सलूक करता है कि उसके चेहरे पे आप देखते हैं कि कितना मुस्कुरा रहा है। वहीं पर आपने देखा कि भगवाधारी एक मुसलमान जो सब बाहर में जो दुकान बेचते हैं उनको वहाँ से भगा दिया। तो ये है आरएसएस वालों में और मदरसा का जो प्रोडक्ट है उसमें फ़र्क, कि देख सकते हैं कि मुसलमान एक तरफ मोहब्बत का पैगाम देता है तो वहीं पर ये भगवाधारी सिर्फ नफरत का पैगाम देता है। दोस्तों, आप सुनिए आगे पूरी वीडियो को, उन भगवाधारियों तक जरूर पहुँचाएँ जो देश में नफरतें बांटते रहते हैं, उनको दिखाएँ कि देश में असली जो देशभक्त हैं वो आरएसएस वाले हैं कि या मदरसे वाले हैं। तो दोस्तों, देखिए वीडियो को, शेयर और लाइक जरूर करें। अभी आप कितनी देर में हटा रहे हो दुकान? बच्चे हैं नहीं, आप हटाना स्टार्ट कीजिए। हो क्या रहे हैं तो के सबसे आईडी आईडी आपकी अरे फोन में होगा वो फोन बच्चा आईडी कुछ तो होगी आपके, मतलब यहाँ का बिल होगा, अरे यहाँ के बिल कुछ भी होगा जिसमें आपका नाम लिखा है, बिना आईडी के आपके दुकान का नाम कलीम खान, नाम कलीम खान बोलते थे, कलीम खान गंगानगर गंगा कालू सलाम वालेकुम। क्या नाम है अंकल आपका? नाम मेरा कोमल सिंह। अच्छा, अभी मस्जिद के अंदर माशाल्लाह इत्र बेचना है कोमल सिंह जी, देखो माशाल्लाह, और हमारे मुसलमान भाई इनका भी वेलकम कर रहे हैं। कोमल सिंह जी एक हिंदू भाई हैं हमारे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलियों में से महलों में से हमारे भाइयों का नाम पूछ के भगा दिया करते हैं, लेकिन माशाल्लाह हमारे ये मुसलमान भाई मस्जिद में भी वेलकम कर रहे हैं हिंदू भाइयों का। जुमे में भी आए थे आप, है ना? हाँ, कोई तकलीफ थोड़ी आती है आपको? मेरे को तो बैठाते हैं यहाँ पर, बैठाते हैं जी, और बस ये मैसेज इसीलिए है कि कोई मतलब अपन किसी को कोई तकलीफ देने वाली बात नहीं है। माशाल्लाह तो भाई हमारे इधर भी लगा रहे हैं, मुझे तो बहुत प्यार से बुलाते हैं। काम होगा तो क्या मतलब।